अरे ये आया सर लेफ्ट में थैंक यू भैया मिला गया नहीं लोग हेलो हेलो बैलेंस नहीं था ना इसके लिए तो उठा ही नहीं कर दिया था मैंने डिलीट मैं क्या बोल रहा हूँ बर्थडे के दिन मैं गिफ्ट देना चाहिए ना ऐसे नहीं तो यहाँ पे मेरा नाम लाइट चालू कर कहाँ गए क्या बंद कर देता रे लाइट मैम राइट में राइट में सर लेफ्ट में सर लेफ्ट में यहाँ ये थैंक यू अच्छा शाहरुख के आंग में क्यों गिर रहा था ऐसा सर ऊपर फर्स्ट फ्लोर सर थैंक यू मैम यह कौन है यह मैडम सेक्टर मैम मेरे को अलग से देना बात ये क्या लोचा रखते हैं अलग से पहचान है स्टार्ट करना सर राइट में राइट में राइट में राइट में फर्स्ट फ्लोर उपेंद्र सर यहाँ पे
जी मैंने देखा ऑफ कोर्स एंड इट्स अ थ्रिलर व्हिच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट जॉनरा और मैंने ज़्यादातर थ्रिलर्स ही किए हैं सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सीम्स लाइक अ वेरी फास्ट पेस्ड एक्शन पैक्ड थ्रिलर सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट नाउ इफ यू गेट अ चांस टू एक्टिंग लाइक अ एक्शन थ्रिलर या सो वुड यू लाइक टू वर्क इन मतलब एक्शन में I would love to. In fact, I've been learning martial arts, so I would love to give it a hand and do something like that. But yeah, that's God's grace. If it happens, it happens. Any particular genre you want to work with? I'm dying to do a love story. I've been doing horror, thriller. I've been doing a lot of drama lately. But yeah, I'm really looking for a love story now. I'm dying to do a love story now. Horror, last story is coming. So how's your preparation going on? Well, right now we are dubbing for the film. That's our preparation and that's our job. And अभी तो फिलहाल काम चल ही रहा है. The trailer is still not out. I think it's going to be out. It's going to take another month to come out. And really excited about it. I mean, it's looking really good. It's beautiful, and I'm really excited about this movie. Yeah. Thank you. So very independent, very badass, very extroverted, confident. She's very particular about her morals. या तो उसकी life में या तो सही होता है या तो गलत होता है, वो grey area नहीं होता है उसकी life में. And she's very serious about her work. She's damn good at her job, and that's why at a very young age she's reached the ACP level. And yeah, she's in a situation and she has a time crunch. She has to figure out what does this guy really want, why has he taken hostages, and she's trying to figure out the entire what the mystery and what the what the actual thing is. Of course, I got injured a lot every day while we were filming the action scenes. It was a very very tough day because there's a lot of hand to hand combat. And all my stunts are with male fighters, so obviously they are very used to fighting. But when my hand used to hit their hand, which used to be like steel, there were a lot of injuries, and there was harness work. There's a lot of parkour, so bahut knees have gotten bruised, the elbows have gotten bruised, and my forearms used to be constantly swollen up, and a lot of injuries. काफी लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले, तो यही फिल्म क्यों चुनी आपने? क्योंकि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की तलाश में थी जो एक तो सब कंटेंट अच्छा हो और मेरे लिए जो रोल है वो भी बहुत अच्छा हो. वो कॉम्बिनेशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारी इंडस्ट्री में फ़ीमेल एक्टर्स के लिए उतने अच्छे रोल्स दिखे नहीं जाते. बहुत मेल डोमिनेटेड काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी हैव, और जिस तरह की फिल्म्स बनती हैं वो बहुत हीरो सेंट्रिक फिल्म्स बनती हैं. तो मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट खोज रही थी जिसमें मुझे कुछ करने के लिए हो, देयर नीड्स टू बी अ स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस. फाइनली एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली जहाँ विच चैलेंजिंग मी. मैंने ऐसा कोई रोल पहले कभी नहीं किया है, एक मेरे लिए कम्प्लीटली अलग इमेज है. तो एनहेंस दैट्स वाई कॉन्टेंट बहुत अच्छा था फिल्म का. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहिए? जी हाँ, मैं एक इंटरनेशनल ब्रॉडवे म्यूजिकल कर रही हूँ, और इसको हम पोर्चुगल लिस्बन में स्टेज करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू गो राइट आफ्टर रिलीज ऑफ सेवन आवर्स टू गो. So yeah, for 1.5 months I'm going to be in Portugal with for this international musical. Thank you so much. Thank you. Hold ma'am, for visuals. बहुत गलत है. मैं इंटरवल में आऊँ क्या? नहीं 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 अभी. ओके काम 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 थोड़ा सा डन. मैम
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली. आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैं एक ऐसी फिल्म देख रही हूँ जो एक हॉस्टल सिचुएशन के ऊपर है, और वो भी मेरी दोस्त संदीपा, शी इज़ इन द फिल्म. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू वॉच हर. एंड मैं शुरुआत से ही उसको जानती हूँ क्योंकि मैं शानू शर्मा के साथ कास्टिंग में काम करती थी, तो तब से मैं संदीपा को जानती हूँ. तो आई हैव सीन हर, सो वी बोथ बीन सॉर्ट ऑफ पैरेलली टुगेदर. तो आई एम डाइंग टू वॉच द फिल्म, आई एम वेरी एक्साइटेड. अच्छा, एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है तो ऐसा जी वुमन का आपका कैरेक्टर है जिसको आप प्ले करना चाहो बायोपिक में? अगर बायोपिक में पर्सनैलिटी है जिसका किरदार प्ले करना चाहिए, आई थिंक मैं नूतन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई थिंक फिर मैं उनकी तरफ बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी. आई थिंक शी वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग. लेकिन अगर उनके ऊपर कभी भी कोई बायोपिक, कोई भी मुझे मौका मिलेगा उसमें काम करने का, तो देन फॉर श्योर आई लव टू प्ले नूतन जी. जी नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट अभी 10 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे. थैंक यू. मैम प्लीज स्टैंड. ओह वाओ, हाय. ओके रोले, 7 आवर्स टू गो के बारे में कितना एक्साइटेड है? यहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली फिल्म देखने वाले हैं, कितनी नर्वसनेस है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ. आई कांट इवन से एनीथिंग. So I can't wait to see the film because I haven't seen it yet. So even for me, it's the first time that I'm seeing it, and I hope for the best. अच्छा, बॉलीवुड में किसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? फिल्म के दौरान किसे ध्यान में रखकर ऐसी कोई इंस्पिरेशन है? I can say that I love Sonakshi Sinha. That's all. Like inspiration. I don't like. Any particular genre you're looking for future? I would like to do any kind of, because I'm not looking into a genre. I'm just looking for a good script. So whatever comes next, I'm ready to do it. Any upcoming project you want to share with us? As of now, there is few talks going on, but soon maybe I'll let you know. Thank you so much. Thank you. इंटरव्यू किसका? इंटरव्यू इनका. सर थोड़ा सा आगे आ जाइए. ये हाँ सर, स्क्रीनिंग है फिल्म की और सर गेस्ट आए, फ्रेंड्स आए, तो कितने एक्साइटेड हैं आप स्क्रीनिंग? एक डायरेक्टर की जब फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग होती है वो एक्साइटेड सिर्फ शक्ल पे दिखाता है, अंदर से बहुत उसकी हालत ख़राब होती है. तो आप मुस्कुराते चेहरे के अंदर जो पसीने हैं ना पीछे, वो शायद कैमरे में पकड़ नहीं पाएंगे. तो लेट्स सी, बिकॉज 7 आवर्स टू गो थ्रिलर है, तो वैसे ही नर्वसनेस होती है थ्रिलर देखते वक्त, तो हमें कुछ ज़्यादा ही हो रही है. तो आई होप ये फाइनल टेस्ट होता है कि कंज्यूमर को पसंद आए, इसीलिए हमने वेडनेसडे को स्क्रीनिंग रखी है, ताकि शुक्रवार तक, आज के ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़माने में, आई होप लोगों को ये फिल्म पॉजिटिव लगे, क्योंकि ये फिल्म एक एंटरटेनर है जो फैमिलीज़ को पसंद आएगी, एक थ्रिलर है जो फैमिलीज़ को पसंद आएगी. और जैसा मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखें ऑनलाइन, अगर फिल्म पसंद, अगर ट्रेलर पसंद आए तो ज़रूर देखने आए 7 आवर्स टू गो. ट्रेलर लॉन्च के दौरान बहुत सारे डायरेक्टर्स आए थे इंडस्ट्री के, लोगों को ट्रेलर काफ़ी पसंद आया था, और मूवी को देखकर क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? ट्रेलर लोगों को पसंद आया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं उन्हें प्रीमियर पे बुला रहा हूँ, कह रहे हैं नहीं यार ये पिक्चर ऐसी है, हमें पिक्चर पर टिकट खरीद के देखनी है. सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन बड़े बड़े डायरेक्टर श्रीराम राघवन, अब्बास मस्तान, कुक्कू कोहली, अशोक पंडित, तो इन सब ने बहुत सपोर्ट किया पिक्चर को, एंड एक इंडिपेंडेंट फिल्म है और उसको इतना सपोर्ट मिलना, आई थिंक इट्स ओवरवेलमिंग. तो या इस फिल्म को, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है, जब ये कहानी लिखी गई तो इतनी आसान नहीं है, लोग कहते हैं यार दिमाग घर पे रख के आओ, ये पिक्चर वैसी नहीं है, ये पिक्चर में दिमाग लाना पड़ेगा. तो ये एक थोड़ी अनकन्वेंशनल तरीका है फिल्म बनाने का. तो आई होप, सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि अगर ऑडियंस को पिक्चर अच्छी लगे तो आई थिंक हम गंगा ना लेंगे. 24th देखिए, हम तो अपनी रेस लड़ रहे हैं,
तो बाकी फिल्में भी आ रही हैं सब अच्छी करें, पर मैं अपनी रेस लड़ रहा हूँ, अपनी रेस में दौड़ रहा हूँ, तो आई थिंक अच्छी फिल्म को कोई रोक नहीं सकता है, तो वही एक गुजारिश है। आपको लग रहा है मैं नर्वस लग रहा हूँ? मतलब एक्चुअली वो क्या होता है ना कि मैं एक्चुअली नंब हो गया हूँ, मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी एक्टिंग कर रहा हूँ बड़ी गंदी वाली, लेकिन आई जस्ट होप कि ये एक बहुत बहुत आई थिंक सालों के बाद मुझे एक ऐसा ग्रैंड प्रीमियर देखने को मिला है, और भी मेरा अपना, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हम्बल्ड, आई जस्ट होप दैट पीपल लाइक दिस मूवी, ये नहीं कि फ्री का पॉपकॉर्न और फ्री की मूवी देख के चल क्या बकवास बोल रहा हूँ, कि आई जस्ट होप पीपल लाइक द मूवी एंड दे एंड या आई होप द मूवी डज वेल बेसिकली। यार सेवन आवर्स को एक बहुत ही मुश्किल फिल्म रही है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग फिल्म है, इन अ सेंस कि एक्चुअली ये शूट थी 60 से 65 दिन की, बट बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमने इस फिल्म को 40 दिन में कंप्लीट किया है, तो उतने ही ज़्यादा घंटे काम करने पड़े, उतने ही कम रीटेक्स देने पड़े, मतलब बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही प्लान्ड तरीके से शूट की गई है, सो आई होप कीपिंग द बजट इन माइंड, कीपिंग द स्टार कास्ट इन माइंड, ये जो फिल्म है लोगों को पसंद आए, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट डज वेल। आई थिंक मैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्म में अगर लीड रहा हूँ या कोस्टर रहा हूँ, आई एम इवन इन दिस फिल्म इट्स मोर लाइक द स्टोरी इज़ द लीड इन दिस फिल्म, द कॉन्टेंट इज़ द लीड इन द फिल्म, इट्स नॉट लाइक कि मैं अलग से सिर्फ लीड की भूमिका निभा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली काफ़ी मेहनत की है कि कहीं ना कहीं लोगों को पीपल हैव लाइक माई वर्क इन द पास्ट, तो मेरी वही मेहनत रही है कि लोग जब इस फिल्म को देखें उन्हें ये नहीं लगे कि चलो ठीक है एक्शन ठीक ठाक कर लेता है लेकिन एक्टिंग इसकी बर्बाद है, तो आई जस्ट होप कि पीपल लाइक द एक्शन, दे लाइक द स्टाइल एंड दे ऑल्सो लाइक माई परफॉर्मेंस एज एन एक्टर, बिकॉज मेरे लिए सबसे मायने वो रखता है कि मैं कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर प्ले करता हूँ स्क्रीन पे लोगों को वो कैरेक्टर बिलीवेबल लगे और उनको लगे कि मैंने उसको जस्टिस, आई हैव डन जस्टिस दैट कैरेक्टर। क्या जी कॉन्फिडेंस तो मुझे हर दिन मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, अभी तक मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए, अभी ना अभी तक सबने मुझे सिर्फ ये बोला कि ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी में आए। मैं तो चाहूँगा कि पूरी ऑडियंस देखे, बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है कि मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्टर, यंग न्यू ओल्ड एक्सपीरियंस इज दैट कि उनकी फिल्म टिकट सेल्स उनकी फिल्म के हो, दे यू नो दे गो हायर एंड हायर विद ईच फिल्म, तो आई होप विद दिस पर्टिकुलर फिल्म लोगों को कहीं ना कहीं लगे कि अगर वो मेरे को मुझे फिल्म में लेते हैं तो मेरे साथ यू नो दे हैव अ गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो दैट्स व्हाई फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी नहीं, एक्साइटेड तो है ही, मतलब रिपोर्ट कार्ड निकलने वाला हो आपका तो फिर इनफैक्ट थोड़ा जिटरी भी होता है आदमी, सो हाँ हर तरह के इमोशंस हैं, मतलब एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा नर्वसनेस भी है। हमेशा से आपके जो किरदार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो ये किरदार किस तरह का होने वाला है, क्या प्रिपरेशन की है आपने किरदार को? तो प्रिपरेशन तो खैर हर किरदार के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि फिर एक्टिंग और एक्सीडेंट पर फ़र्क क्या रहेगा अगर आपने जो है बिना प्रिपरेशन के काम कर दिया। स्ट्रॉन्ग तो यही है मेरे ख्याल से, देखेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और पूरी पिक्चर में काफ़ी अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो कुल मिलाकर यह है कि रिजल्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे सरप्राइज ज़रूर करेगा। नहीं, स्क्रिप्ट अच्छी है और मज़ेदार पिक्चर है, रोल मेरा जो है एक पुलिस वाले का है, और सौरभ के साथ प्रॉब्लम है, वो अपनी हर फिल्म में मुझे पुलिस वाला बनाते हैं, अलग अलग रीजन से होता है वो पुलिस वाला, अलग बात है, और वही है केस सॉल्व करने के लिए उसको तैनात किया गया है, और एक आदमी है जिसने कि कुछ एक लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, और उसकी मांग है कि 7 घंटे के अंदर उसको जस्टिस दिया जाए, वरना वो हर घंटे के हिसाब से एक हॉस्टेज को मार देगा, तो उसके आसपास पूरी की पूरी कहानी बुनी हुई है।
And I've heard some good things about it and I really liked uski pehli film thi Mickey Virus. Mujhe bahut achhi lagi thi aur bada ajeeb sa isme ek andaaz hai. Achhi filmein banata hai aur filmon ka zamana hai. लोग देखें छोटी फिल्में भी नए लोगों को आप प्रोत्साहन करें इसी तरह से कहाँ एक टैलेंट निकलता है और मैं तो हमेशा कुछ नए लोगों की फिल्म देखना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ अपना नयापन होता है एक आज़ादी होती है एक पुराना ढर्रा नहीं होता बगैर डर के फिल्म बनाते हैं उसमें एक बात कुछ और होती है नहीं 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 हम फिल्में बनाते हैं बिकॉज पहले हम दर्शक हैं हमको सिनेमा देखने में मज़ा आता है जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं अपना वो वाला हैट बिल्कुल अलग रख देता हूँ इनफैक्ट जब फिल्म बुरी होती है तब आप उसमें तकनीक देखने लगते हैं तब आप थोड़ी उसकी बारीकियाँ या ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा देखते फिल्म अच्छी होती है तो आप कहानी में बहते हैं और मैं नहीं नहीं अब किस कोई फिल्म तो बहुत सारी बहुत अच्छी थी अभी उड़ता पंजाब कितनी अच्छी फिल्म है अब कितना अच्छा डायरेक्टर है अभिषेक चौबे उसकी इश्किया डेढ़ इश्किया एक पूरा सोचने का तरीका ही अलग है उसका वो एक इतना अजीब और इतने ओरिजिनल तरीके से सोचता है उसके सीन्स इतने अलग होते हैं कि मुझे तो ईर्ष्या होती है उसकी फिल्में देख के बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे उड़ता पंजाब इनफैक्ट और बिल्कुल भुला देती है कोई भी मतलब आप बह जाते हो कहानी में उन कैरेक्टर्स के साथ इतना अच्छा काम किया शाहिद ने आलिया ने इतना बगैर डर के आलिया तो मतलब कमाल है इस स्टेज पे उस लड़की ने इतना बगैर घबराए हुए इतना अलग पार्ट किया है सब बहुत अच्छे हैं दलजीत बहुत अच्छा है इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे रोल्स कास्टिंग इतनी आजकल बेहतरीन होती है लोकेशंस पे शूट करते हैं आजकल डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं आप जितने अभी आप देखेंगे राकेश मेहरा की फिल्म आएगी मिर्जिया बहुत अच्छा डायरेक्टर है बहुत अच्छा है आशुतोष मोंजारू लेके आ रहा है बहुत अच्छा है जितने भी हैं नवदीप विशाल की अगली फिल्म रंगून आई एम वेटिंग अभी अनुराग की फिल्म आने वाली है रमन राघव 2.0 ज़रूर देखिएगा मैंने देखी है बहुत अच्छी है नवाज ने कमाल का काम किया मौसम अच्छा है बारिश होने वाली है मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने थ्रिलर बहुत पसंद है मुझे तो इसके प्रोमो तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो आई एम होपिंग कि ये सिनेमा और ज़रूर लोगों को पसंद आएगा बिकॉज वेरी स्लीक है परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं इसके संदीपा ने चूँकि हमारे साथ ग्लोबल बाबा फिल्म की थी तो आई नो हर एंड पंडित एंड एवरीबॉडी लाइक यू नो वरुण वडोला मुझे लग रहा है कि ये